बाहर मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं? दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2000, अगर आईपीएल जिम्मेदार है बेसिकली हम नजर आ रहे हैं आईसीसी खत्म हो गई है। आपको ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गई है, और एक तरफ जो इंडिया के मार्केट है बीसीसीआई और बोर्ड जो है वो डिक्टेट करता है, चाहे वो आईसीसी हो या रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हो। सिर्फ इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का बड़ा बड़ा प्लेयर वहां पे गया है, तुम कुछ आपके ना अच्छा कराने से या आपके क्रिकेट को बेहतर ना करने से मेरे हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की जो टीम है उनके जितने जैसे हमारे प्लेयर पीएसएल खेलते हैं और दुनिया की सारी लीग खेलते हैं, इंडिया आईपीएल के अलावा उन अपने प्लेयर को किसी दुनिया की लीग में नहीं जाने। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तान मीडिया पीएसएल को आईपीएल के टक्कर का बोलती थी, अब आप उसमें अपना सिर पीट रहे हैं। पीएसएल कहीं से भी आईपीएल के सामने नहीं टिकती है, चाहे वो पैसे के लिहाज से हो या फिर दुनिया के बड़े प्लेयर्स की क्रिकेट लीग खेलने के लेकर हो। सच बात तो यह है कि पाकिस्तान प्लेयर खुद आईपीएल खेलने को मरे जा रहे हैं मगर खुलकर सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभी आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, उसमें आवेश खान जो कि अभी अनकैप प्लेयर है, उन्हें लखनऊ जैसी आईपीएल टीम ने 10 करोड़ में खरीद लिया है। आज तक आवेश खान ने एक भी इंडिया के लिए मैच नहीं खेला है और इतनी बड़ी रकम को देखकर पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। ईशान किशन को 15 करोड़ में खरीदा गया, इसमें यह पता चलता है कि आईपीएल सारी क्रिकेट लीग है, दुनिया में जो भी इतनी बड़ी क्रिकेट लीग है सबसे बड़ी लीग है और ज़्यादा पैसे वाली लीग है, जिसे खेलने के लिए पूरी दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स अपने देखते रहते हैं, मगर इस लीग में पाकिस्तान प्लेयर्स को खिलाने के लिए मना ही है और पाकिस्तान मीडिया इस ऑक्शन को देखकर भी हैरान होती रहती है और इनकी इतनी बड़ी रकम देखकर आंख फटी की फटी रह जाती है। पाकिस्तान मीडिया आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करता रहता है, तो आगे आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर इंडिया जो है वो आईपीएल को यूएई में लेके जा सकता है तो हम सर एशिया कप को क्यों नहीं यूएई में लेके जा सकते थे, हम क्यों श्रीलंका तक की बात कर रहे थे? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर जरा थोड़ा आईसीसी पे चले जाएंगे। सर तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं आप बहुत ज्यादा। नहीं मैं कहां मुस्कुरा रहा हूँ, ये शायद 2-3 हफ्ते पहले बात हो चुकी है कि आपको ये मान लेना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो अब बिल्कुल पोलराइज्ड हो गई है, और एक तरफ जो इंडिया के मार्केट है बीसीसीआई और बोर्ड जो है वो डिक्टेट करता है, चाहे वो आईसीसी हो या रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हो, बाकी टेल वैगर्स बन गए हैं बड़ी माजरत के साथ और टोटल इम्बैलेंस है दुनिया में। ये पहले राशिद भी कह चुके हैं, सारे श्वेब भी कह चुके हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टी20 में कबाहते थी कराने में क्योंकि 16 टीमें इन्वॉल्व होनी थी, एशिया कप शायद हो सकता था लेकिन आईपीएल यूएई में होनी थी, और अगर आपको याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ना अच्छा कराने से या आपकी क्रिकेट को बेहतर ना करने से, मेरे हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आईसीसी अगर इस रूट पे जाना चाह रहा है तो प्लीज डू दैट, सो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर क्रिकेट की तबाही ऐसे उतरते हुए देख सकते हैं हम तो हम देखिए यार हम कुछ कर नहीं सकते, हम सब कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये हालात बनते हुए यकीन नजर आ रहे हैं। But then at the same time, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को या अपने बोर्ड से कम्पीट तो करवाना है कि भाई दुनिया के बोर्ड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिचेस्ट बोर्ड बन रहे हैं, तो हमारा बोर्ड जो है वो नहीं सही मेरा ख्याल चल रहा सर। एक तो बीसीसीआई ने जैसे भी अपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट किया, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अर्ली 2000 में इनकी कंसेप्चुअलाइजेशन इन्होंने की थी और कमर्शियल मार्केट जो है इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के साथ कोरिलेट करके और उसके बाद अट्रैक्शन की इन्होंने, और फिर राइट्स जो है वो इंडियन डोमिनेटेड जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने उठाए, जिससे फैसिलिटेशन हुई और फिर आईसीएल को हाईजैक किया बीसीसीआई ने और फिर वो आईपीएल इंट्रोड्यूस हो गया। कॉन्सेप्ट वो आईसीएल का जो आया था वो डिफरेंट लीग से आया हुआ था, नॉन क्रिकेट लीग से आया हुआ था, और ये ओरिजिनल आईपीएल का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट लीग थी जिसको इन्होंने एफिलिएट नहीं होने दिया और आईपीएल आईपीएल ने फिर एक अपना आउटले क्रिएट किया और वो इतनी डिस्पैरिटी आ गई दुनिया में इकोनॉमी की, क्रिकेट की जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि चाहे वो इंग्लिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, कुछ बोर्ड्स तो बेचारे बिल्कुल ही लागर हो गए और हम भी लागर होने की तरफ जा रहे हैं। तो जिस जो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ पोलराइजेशन, ये जिसने भी श्वेब ने बात की बहुत बड़ी बात कर गया हो कि सिर्फ 2 वर्ल्ड कप और बाकी 12 लीगें हो रही होंगी, आप उस तरफ जा रहे हो, तो आप डाइवर्स करना चाहते थे, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म आउटले बढ़ाना चाहते थे, इसका ये मतलब नहीं था कि आप क्रिकेट को कहीं खो दो। वो जो अपनी ईरा की बात कर रहा है वो कोई बोस्ट नहीं कर रहा, क्रिकेट की क्वालिटी जो मर्जी आप कह लें, मैं कहता हूं विराट कोहली को भी सामने रख लें और स्टीवन स्मिथ को भी, क्रिकेट की स्पीड शायद तेज हुई होगी बट क्वालिटेटिवली क्रिकेट एज ए प्रोडक्ट हैज कम डाउन माइल्स, जो आज से 20 साल पहले आप क्रिकेट की क्वालिटी देखते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, इसमें कोई शक नहीं। हमें पर्चियां सब नजर आती हैं, पर्चियां भी हैं उसके अंदर कुछ,
लेकिन जो लड़का आ रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं, क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया, उन्होंने कुछ भी, सिर्फ रिजवान और बाबर आजम या हफीज को आप ले लो, उसके अलावा शोएब अख्तर को देख लें, आजम खान को देख लें, शर्जील को देख लें, ठीक है, आसिफ अली को देख लें, ये सारे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनको विकेट पे रुकना ही नहीं आता, ये कहते जी हर बॉल पे छक्का मारे, तो इस तरह आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। दुनिया में बाहर मुल्क है उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इवन नेशनल हाई सेंटर के अंदर आपने पूरा इंग्लैंड नेशनलिटी भर दी है, वहां पे आपके पाकिस्तान के अंदर कोई कोचिंग कोर्स करने वाले लड़के नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लेवल फोर किया हुआ किसी ने नहीं है। आईपीएल का साइज उसके बजट के लिहाज से, उसकी ऑडियंस के लिहाज से, मीडिया राइट्स के लिहाज से बहुत बड़ा है। वजूद आईपीएल के आने से पहले पूरी मीडिया के अंदर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और एक हाइप दी जाती है उससे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया हाइप नहीं है क्रिकेट बोर्ड। $80 लाख पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन $7 बिलियन के करीब, 6.9, और अभी इन्होंने एक दो फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। बेसिकली अब नजर ये आ रहा है कि आईसीसी खत्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमजोर हो गए हैं, जो ब्रिटेन जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रांग है। दूसरे आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। अगर व्हाट्सएप इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का बड़ा बड़ा प्लेयर वहां पे गया, तो कुछ तो समझ लगती है, वो पैसे ज्यादा देते हैं, एक तो उन्होंने बहुत दुनिया से इंटरनेशनल फेम कटी की, मगर जो टेक्निकली आपसे एज ए क्रिकेटर मैं जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंडिया T20 में नीचे चला गया, ये क्या टेक्निकली क्या वजह है? इंडिया की जो टीम है उनके जितने, जैसे हमारे प्लेयर PSL खेलते हैं और दुनिया की सारी लीग खेलते हैं, इंडिया IPL के अलावा अपने प्लेयर को किसी दुनिया की लीग में नहीं जा।